Hello everyone, welcome to HL and Complete Fitness. So today we are here SCULPT SQUAD grand opening. So I chief guest Mukesh Singh Gahlot sir is here. So I have a lot of questions for him regarding the fitness journey, his achievement, who is he? And logo the first time we are here is the experience of a good him. So how today grand opening we enter. Hey, Pravas. Namaste. Completion. I'm a fitness YouTube channel. So everyone is eager to ask, like, how do you see opening game? Oh, I want to see. So it feels good. We intentionally came here. अच्छा करेंगे. थोड़ा nervous है. कोई नहीं. Okay. Let's meet the manager. ये ये cut कर देना. ये cut. गुफा. Okay. So here we have the owner. Especially, so grand opening we were like after many obstacles. How are you feeling? Very excited and nervous, mixed feelings, but of course very happy. 4 years or we saw dream at a fulfill hoise. Okay, great. So let's meet one more very strong finger. We can see people is quite easy to go down. All the equipments over here, the cardio equipments. The cardio is a curved treadmill. Cardio is a big stone. People, let me entertain us. एक तो सबसे पहले तो मेरा थैंक्स है पैसा दीजिए आपको और आपकी पूरी टीम को यहाँ बुलाने के लिए और बड़ा अच्छा जिम आप लोगों ने लगाया बहुत इम्प्रेसिव है। मैं तो अपनी बात करूँ तो मेरा बड़ा छोटा सा सेटअप जिम का लेकिन आप लोगों ने इस एरिया में इतना अच्छा सेटअप लगाया उसके लिए कांग्रेस और आप लोग पूरी टीम है फिटनेस के लिए अच्छा ही करेगी काम आगे चल के मैं चाहता हूँ यहाँ से लोग फिट तो वहीं साथ में स्पोर्ट्स वाले को जिम निकले आगे बिल्कुल आपके पास एजुकेशन भी है और पूरी टीम अच्छी कर पाएंगे यहाँ से और ये यहाँ के लोगों में बड़ा डेडिकेशन है ये स्पोर्ट्स के लिए बड़ा अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का। हाँ बस सर क्योंकि देखिए आपने जैसे बताया कि सर हम लोग के आसाम से भी आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं काफ़ी लोग। हाँ हाँ तो सर आपके वर्कआउट के बारे में जाना था आप पावर लिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो सर क्योंकि दोनों का बहुत ही अलग अलग डिमांड होता है सर। हाँ वैसे अगर देखें तो पावर लिफ्टिंग जो है बॉडी बिल्डिंग का बेस रही है जो हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वही हमें ऑक्सीजन में वर्क करते टाइम चाहिए होती है बस उसमें थोड़ा सा रेपिटेशन रेंज रेंज हमारा जैसे पावर लिफ्टिंग में 3 से 5 रेपी ट्रेनिंग होती है बॉडी बिल्डिंग में 8 से 12 रेप करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं उसको मिक्स कर लेते हैं एक ट्रेनिंग हम 5 रेप की करते हैं हैवी ट्रेनिंग तो 1 12 14 रेप की कर लेते हैं जो हमारा ऑक्सीजन होता है बॉडी बिल्डिंग मेरे सारे पावर लिफ्टर अच्छे स्ट्रेंथ वाले भी सबकी स्ट्रेंथ अच्छी है हम हैवी इंटेंस ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसलिए इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है जितना इंटेंस ट्रेनिंग होगी तो ये तो आपके ऊपर है कि आप ट्रेनिंग के पैटर्न को किस तरीके से रखते हैं दोनों कर सकते हैं ऑक्सीजन में बॉडी बिल्डिंग ऑक्सीजन में तो आप पावरलिफ्टिंग कर सकते हैं खेल सकते हैं तो वो ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन में जब कटिंग फेज में होते हैं आप स्ट्रेंथ करना होता है उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं इसलिए चांस बढ़ जाते हैं। सर और एक सवाल नहीं सर एक मतलब क्या मिसाल हो सर आपके जो गुरु शिष्य के रिलेशन में सर
तो आप देखिए जब अभी 2008 से 12 तक किस तरह के होके आ रहे थे कंटिन्यूअसली सर, और बहुत सारे सर, पर ये तो मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ सर, और बहुत सारे आपने अचीवमेंट किया था, तो स्टिल सर अभी आप अपने गुरु को लेके सर एनी ग्रेड चल रहे उनको जा रहे हैं सर, तो उसके बाद मतलब गुरु शिष्य के तो रिलेशन होते हैं सर, उसके ऊपर मैं कुछ सर वो हमने सीखा अपने गुरु जी है, वो जब हमने शुरू किया उनके पास तो वो भी अपने उस्ताद के पास जाते रहते थे इस एज में, और वो हमेशा उनको एक मान के चलते थे कि मेरे पास जो है वो आगे कर दिया उसको, फिर हमने उनसे वो चीज़ ली और अब आगे उसको पास करना है, नेक्स्ट जनरेशन को हम दे रहे हैं, जो मेरी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को फिर आगे पास करें, ये दस दिन में ये वो गुरुकुल परंपरा जो होगा द्रोणाचार्य का जो मतलब हाँ उनसे हमें पास हुआ, मेरे से आगे पास हो रहा है, कल को पास वो उसके आगे पास एक्चुअली सर ये जो ये सबको बहुत ही मतलब रिलेशन रहता है सर गुरु शिष्य का रिलेशन, हाँ समझो ये रिलेशन देखो दिमाग में रहना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने जिससे जिसकी वजह से आप यहाँ खड़े आते वो उनको क्रेडिट तो मिले जाएगा, जब मैं कुछ नहीं था उस टाइम भी उन्होंने मेरे शुरू पर आके यहाँ तक वो लेके आए, तो वो तो मेरे घर तो कभी कम नहीं मिलता, जहाँ तक फिटनेस का कंसर्न है गेम का कंसर्न तो वो सब उन्हीं से हाँ, मैं आदमी सीखता ही हूँ सर, मैं उनके सामने बोलता कब हूँ क्योंकि वो जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे सीखने को मिल जाता है, मैं ही बोलता रहूँ उनके सामने बैठ के तो फिर वो सीखने को लेकर अगर सीखना तो आपको सुनना ज़्यादा चाहिए बिल्कुल सर, आपको और फ्यूचर गोल सर फ्यूचर में कुछ प्लान वगैरह सर की तरफ से अब स्टूडेंट्स को लेके ही सर वो और अच्छा करें, जहाँ तक मैं गया उससे आगे उनको जाना पड़ेगा तभी मैं सक्सेसफुल पूरी से नाम होता है, अगर मैं उससे आगे उनको नहीं लेके जा पाया तो फिर तो करियर होगा, मेरा विजन तो हमेशा उनको अपने से आगे देखने का ही रहेगा, तो वो कोई बड़ा मेडल लेके आएंगे इस गेम में तो यही गोल है वो लोग जरूर अच्छा करेगी, अभी जैसे मैं पावरलिफ्टिंग की बात करूँ तो मास्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत क्लोज है, बेस्ट प्लेयर 324 का है, हम जिनमें हमने 320 अचीव कर लिया है, कॉम्पिटिशन में 317 अचीव कर लिया है, 5-6 किलो उसके बाद जैसे हम वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड रिकॉर्ड ही पास करें, ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में मेरे पास बहुत सारे पिछले लिए हैं, दस दिन की बात करें तो हमारे पास 54 इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट नेशनल मेडलिस्ट तो बहुत ज़्यादा है जैसे सर आज पर हाँ मेरे अपने सेंटर से ही नेशनल स्टेट तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ही लेके जाना है, और बेस्ट स्टेट तक एक ड्रीम है अभी एकदम से नहीं हो पाएगा, 4-5 साल 6 साल लगेंगे लेकिन उस स्टेज पर डेगरा जी के बाद कोई गया नहीं अभी तक, प्रेसिडेंट डेगरा जी गए उनके बाद कोई नहीं गया, भुवन गया है लेकिन भुवन यहाँ से इंडिया से है लेकिन वो एक्चुअल में कनाडा से ही है, आपको पता ही है वो बेसिकली बड़े वही हुए हैं ओरिजिन यहाँ है लेकिन वो सारा फैसिलिटी वहीं से है, हाँ तो अगर देखे तो डेगरा जी के बाद कोई नहीं गया, तो नेक्स्ट प्लेयर देखते कौन जाएगा, हो सकता हमारे जिम से जाए, हो सकता आपकी जिम से जाए, ठीक है सर, तो फिर से एक बार वेलकम टू गुवाहाटी सर, ये आपका ये पहला टाइम है गुवाहाटी में, तो सर यहाँ के जो मतलब फिटनेस इंडस्ट्री है सर इसके बारे में कुछ दो तीन शब्द से आप मतलब कैसा प्लान करोगे, आपका विजन कैसा रहेगा सर? फिटनेस बहुत वास्ट फील्ड है और स्पोर्ट्स तो है ही है, फिटनेस हर एक की जरूरत भी है, जैसे अब कोविड का टाइम था तो उसमें हर एक ने इलाज भी किया, जो फिट है वो ज़्यादा अपने आप को सेफ रख पाया है, तो अभी एनर्जी बढ़ गई लोगों उसी का नतीजा कि नए नए जिम में बहुत दूर रहे हैं, हाँ तो फिटनेस तो हर एक की जरूरत है, आप स्पोर्ट्स में जाएँ या ना जाएँ फिटनेस हर आदमी चाहिए, इसको हमने लाइफ स्टाइल में उतारना है, ये टारगेट नहीं होना चाहिए मुझे इतने दिन फिट होना, मुझे हमेशा ही टारगेट ये होना चाहिए हमेशा ही मैं फिट रहूँ, उसके लिए आपको रेगुलर 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा, तो वो अपने रूटीन में उसको मैनेटरी करें, ये नहीं कि और चीज़ें सब करके टाइम निकलेगा तो मैं करूँगा फिटनेस नहीं, ये 1 घंटा मैंने देना ही है तब फिटनेस आएगी। आप सर एक बहुत अच्छी बात कही सर, जो आपने बताया कि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग भी सेम मंत्र फॉलो करते हैं सर, हम लोग का एक सेफी लिखो फॉलो से एक पावर फिटनेस के गेम अंदर सर, जो हम हर साल करके आ रहे हैं 2015 में, तो वह का भी सेम मोटो है सर कि हम लोग को एक फिटनेस को एक लाइफस्टाइल की तरह बनाना चाहिए, क्योंकि उस गेम में ऐसा है कि सर सब लोग आके मतलब पार्टी करके खेल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है
बिल्कुल ठीक है सर, और ज़्यादा थैंक यू लिखे थे तो आज इन्हें थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सो फाइनलि आम गलत क्या पातीलो जी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग दी आज गुरु शिष्य जो रिलेशन मेन्टेन करो शिष्यपर यू मेन्टेन करो विचार से और बहुत कथा शिकिलो सो आज मूल आज आम अनिबान दास और कैमेर पिछले एज यूजुअल गोपाल गोपाल आसे बट आम एजन गेस्ट आगे बाकी आज अभिषेक यादव 2022 शेरू क्लासिक गोल्ड मेडलिस्ट तो आम तहतों कथा पातीम सो आम अलग वेट कर নাহিলে এই প্ৰব্লেম কন্টিনিউ নাহিলে মাজে মাজে আহিলে নাম পাহৰি যাব মই এইটোৱে মাজে মাজে মই এইখিনি হাঁহিটো মাৰা নাই